अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चीत दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे मोमिनो सुनियो यह बितक, अब आगे तुमको कहो जो हुआ हुकम हाक, जो हुआ हुकम हाक। साथ सबे मिल बैठ के आप अचराती धाम देनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से दिल्ली की वितक का वर्णन करवा रहे हैं। सब सुंदर साथ आपस में मिलकर के विचार विमर्श करते हैं कि यदि औरंगजेब को संदेश देना है श्री जी का, तो हमें सिर पर कफन बांध करके ही ये काम करना होगा। इसमें तीन तरह के लोग होते हैं। कोई महान कार्य करना होता है, एक तो पहले उस स्तर के लोग होते हैं जो अपना तन मन सब निछावर कर देते हैं, उन्हें मौत का डर नहीं लगता, इनको क्या कहते हैं कुरान की भाषा में मोमिन। और एक होते हैं काफिर जो सीधे मना कर देते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे। और एक होते हैं मुनाफिक। मुनाफिक किसको कहते हैं? गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। ऐसे भी सुंदर साथ थे जो ऊपर से कह रहे थे कि हाँ औरंगजेब को संदेश अवश्य देना चाहिए, लेकिन अंदर से चाह रहे थे कि हमको न भेजा जाए, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा तो हो सकता है अपनी गर्दन कटवानी पड़े। क्योंकि उस युग में औरंगजेब के पास संदेश लेकर जाने का अर्थ ही था मौत को सीधे निमंत्रण देना। कोई भी औरंगजेब के दरबार से जिंदा बच करके नहीं आया था, चाहे गुरु तेग बहादुर हों या जो जो लोग गए, सूफी फकीरों तक उसने फांसी पर चढ़वा दिया, मुसलमानों को भी उसने नहीं छोड़ा था। ऐसी औरंगजेब के पास संदेश लेकर जाना, वो भी इमामत का संदेश, आखरुल इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज्जमा के जाहिर होने का संदेश, और परोक्ष रूप से ये सिद्ध करना कि औरंगजेब बादशाह तुम कुरान के सिद्धांतों के उल्टा आचरण कर रहे हो। कहाँ कुरान में लिखा है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाओ? कुरान की एक आयत में कहा गया है कि तुमको तुम्हारा धर्म मुबारक, मुझको मेरा धर्म मुबारक, यानी धर्म में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस्लाम तो ये भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन इस्लाम में पर्दे की ओट में, इस्लाम की ओट में हमेशा खून की नदी बहाई गई है और सबको विवश किया गया कि वे तलवार के डर से इस्लाम स्वीकार कर सकें। यही गोरी ने किया, यही गजनवी ने किया, बाबर ने किया, तैमूर लंग ने किया, सब ने किया। और औरंगजेब तो सबसे आगे था, उसका दृढ़ निश्चय ही था कि सारे भारत को हम इस्लाम के झंडे के नीचे ला दें। ऐसे बादशाह के सामने कौन जाता? लेकिन 12 सुंदर साथ अपने सिर पर कफन बांधकर तैयार हुए। ये 12 कौन थे? एक तो शेख बदल, दिल्ली का रहने वाला मुस्लिम है, लेकिन इस्लाम की शरीयत से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि श्री जी के ज्ञान का उस पर इतना असर हो चुका है। दूसरा है कायम मुल्ला,
ये भी पहले इसको बुलाया गया था पैसे पर फारसी का फारसी भाषा में अनुवाद करने के लिए, और कुरान की जो फारसी में टीका थी तफसीर हुसैनी उसको हिंदी में समझाने के लिए। लेकिन जब उसको ईमान आ गया, वो नानिया फिरके का था। नानिया फिरका सूफी मत की एक शाखा है। आप देखेंगे सूफी संत जो भी हुए हैं उनकी साधना पद्धति हिंदू धर्म से मिलती जुलती। जो सूफी फकीर होगा सच्चा, वो कभी रोज़ा नहीं रखेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, वो हज करने नहीं जाएगा। एक सूफी फकीर हुए शाह कलंदर, उन्होंने कहा है, न रख रोजा न मर भूखा, न सीजदा कर तू मस्जिद में, किताबें फेंक तस्वीर तोड़, लगा कर इश्क के झाड़ू हिर से दिल को सफा कर। यानी मुसलमानों की जो रोज़ा नमाज हज जकात है सबका उन्होंने खंडन कर दिया। पंजाब में सूफियों का बहुत अधिक प्रभाव रहा है, सूफी विचारधारा पंजाब में काफ़ी फली फूली, और सूफी विचारधारा के जनक थे हजरत अली। मुहम्मद साहब ने तरीकत की बंदगी अली को सिखाई थी और कहा था कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी अली को बनाना, लेकिन अबू बकर उमर और उस्मान जबरन बन गए। अली का नंबर चौथे पर आया और अली की भी बाद में हत्या कर दी गई। अली से सूफी विचारधारा फैली। सूफी विचारधारा के जो अनुयायी होते हैं दिन को तो सो लेते हैं लेकिन पूरी रात जाकर अल्लाह की बंदगी में गुजारते हैं। जो साईं बुल्ले शाह का नाम आपने सुना होगा, पीठ के पुस्तकालय में उनका साहित्य भी है। साईं बुल्ले शाह भी सूफी फकीर थे, निजामुद्दीन औलिया भी सूफी फकीर थे। ये अल्लाह को प्रेम से पाने की मार्ग राह अपनाते थे। जो हिंदू महात्मा हुए हैं जैसे कबीर, नानक या जो भी उस समय, उन्हीं की उपासना पद्धति से मिलती हुई इनकी भी उपासना पद्धति है। शब्दों का हेर फेर है। बाबा फरीद ने 12 वर्ष तक घोर साधना की जैसे हिंदू महात्मा किया करते हैं। शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया था। एक कौवा आकर उनके शरीर पर बैठ गया और सोचा कि ये मरे हुए हैं, अपनी चोंच से मारकर मांस खाने लगा। बाबा फरीद के मुख से एक वाक्य निकला कि ऐ कौवे तू मेरे सारे शरीर का मांस खा लेना, लेकिन इन दो आँखों को छोड़ देना, क्योंकि इन दो आँखों से पिया मिलन की आस मुझे है। मैं अपने प्रीतम से मिलना चाहती हूँ, मेरी आत्मा मिलना चाहती है। ये भक्ति भाव सूफी फकीरों में रहा है। जो सच्चा सूफी फकीर होगा वो कभी मांस नहीं खाएगा। हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव उसके अंदर से निकल जाएगा। न वो हिंदू के शरीर से देखेगा न मुसलमान के शरीर से देखेगा। लेकिन जो जाहिरी हैं मुसलमान, वो कट्टर सुन्नी विचारधारा के हैं या बहावी विचारधारा के हैं, अहले हदीस को मानने वाले हैं, वो यही चाहेंगे कि सारी दुनिया उनके शरीयत को माने, 5 बार नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, जकात करे। इससे आगे उनकी सोच जाती ही नहीं। पूरी रात सोएंगे सुन्नी कट्टर शरीयत को मानने वाले, और सूफी विचारधारा वाले पूरी रात जागते हैं। रात्रि के 9 बजे से लेकर 3 बजे तक 6 घंटा इबादत में गुजारते हैं। यह जो कायमुल्ला था ये सूफी विचारधारा का मानने वाला था। ये दो मुस्लिम थे। सेठ लक्ष्मण दास जो अब लालदास जी कहला रहे हैं, ठट्ठ नगर के लालदास जी और चिंतामणि जी, चिंतामणि जी जिनके 1000 शिष्य थे, कबीर पंथ के आचार्य हैं, गादीपति हैं, अब वो इस्लाम से लड़ने के लिए तैयार हैं। सूरत से भीम भाई और नागजी भाई, दो ठट्ठे से, दो सूरत से, खिमाई भाई बुंदेलखंड से, सोमजी भाई खंभात से, और दिल्ली के 4 सुंदर साथ हैं, 2 मुस्लिम और 4 हिंदू, चंचल, दयाराम, बनारसी दास और अनंतराम। चंचल, बनारसी दास, दयाराम आदि ये सारे सुंदर साथ हैं
जो अपना सब कुछ निछावर कर दिए हैं, ये 12 सुंदर साथ तैयार हो गए कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं, हम 12 ही मिलकर के औरंगजेब को संदेश देंगे। सबने आपस में विचार किया कि इस हिंदू वेशभूषा से मिलना तो ठीक नहीं है, हमारी धोती कुर्ता को देखकर औरंगजेब पहले ही मिलने से मना कर देगा, इसलिए सबने सूफियों वाला लिबास धारण कर लिया। सबने आपस में तय किया कि हम मस्जिद में चले चलते हैं, जामा मस्जिद में, और वहाँ सनंद की चौपाइयाँ गाएंगे। जिस समय जो कार्य होता है वह उसी समय, जो निश्चित होता है उसी समय होना होता है। परमहंस महाराज से, रामरतन दास जी से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी बताइए, सबसे बड़ी बात क्या है? महाराज जी ने कहा कि देखो, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। इसके पहले भी जामा मस्जिद में कई बार सनंद की गायन का गायन हुआ था। शेख बदल ने कई बार सनंद की वाणी को गायन किया, अनेक सुंदर साथ ने भी किया, लेकिन कभी बात नहीं बनी। उस दिन होना था तो अचानक ही हो गया। जो जामा मस्जिद का इमाम था वो अपने आप अचानक ही आ गया और उसने देखा कि ये तो सनंद की वाणी का गायन हो रहा है, इसमें मोहम्मद की महिमा गाई गई है। जब उसने सनंद की उन चौपाइयों को सुना जिसमें लिखा था कि बिना एक मोहम्मद, तो बहुत आनंदित हुआ और रहमत रहमत कह करके उसने अल्लाह ताला से दुआ की, ये दीन के तारे हैं। दीन के तारा यानी ये इस्लाम को, सत्य को मानने वाले लोग हैं। जब उनकी बात सुनी, मोमिन सब सुंदर साथ ने कहा कि हम बादशाह से मिलना चाहते हैं, तो वो सीधे चला गया। चाहे हिंदू राजा हो या मुस्लिम बादशाह, हिंदू राजा का जो धर्मगुरु होता है उसको 24 घंटे में अधिकार होता है, किसी भी समय आधी रात को भी वो महल में जा सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। इसी तरह जो इमाम था जामा मस्जिद का, उसको भी अधिकार था कि कभी भी बादशाह से मिल सकता था। वो सीधे गया और औरंगजेब से कहा कि इमाम मेहदी के भेजे हुए कुछ अनुयायी आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब देखिए, इतना समय हो गया था प्रयास करते करते, लेकिन कभी अवसर नहीं बन पा रहा था, और जब काम होने को हुआ तो अचानक ही अपने आप होता गया। अब औरंगजेब बादशाह इमाम की बात को टाल नहीं सकता था, सीधे हाथ में छड़ी लेकर, मुस्लिम बादशाहों की एक शान होती थी, जब भी चलते थे तो छड़ी लेकर के चला करते थे। आपने लखनऊ के नवाबों की मानसिकता देखी होगी। औरंगजेब बादशाह चबूतरे पर खड़ा हो गया और ये 12 सुंदर साथ भी चबूतरे के नीचे खड़े हो जाते हैं। औरंगजेब बादशाह संकेत से पूछता है कि बताइए आप लोग क्या चाहते हैं। सब सुंदर साथ ने कलमा पकड़ सुनाया कि ला इला इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। औरंगजेब ने सुना, कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप बताइए, आप मेरे दरबार में आए हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सुंदर साथ ने कहा कि हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम केवल दीन इस्लाम पर आपसे वार्ता करना चाहते, लेकिन हमारी शर्त यह है कि हमारे और आपके बीच में कोई दूसरा न बोले। अब जितने दरबारी थे सब सन्न रह गए थे कि अचानक इनकी भेंट औरंगजेब बादशाह से हो गई है, और यदि इन्होंने कह दिया कि हम बहुत लंबे समय से आपसे मिलने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हमारी तो आफत आ जानी है, क्योंकि औरंगजेब कुछ नियमों में बहुत सख्त था। एक बार की घटना है, औरंगजेब नया नया बादशाह बना था। जब मस्जिद में पहुंचा तो देखा कि इमाम ने तो अभी नमाज पढ़ाई ही नहीं है, और औरंगजेब बादशाह जान बूझ करके लेट से गया। देखा कि मेरी प्रतीक्षा की जा रही है, उसने आदेश दे दिया कि इमाम को फांसी पर लटका दो। सब भय से कांप रहे हैं कि कोई अपराध तो हुआ नहीं, फांसी पर लटकाने का क्यों आदेश दे दिया। ऐसे प्रतिदिन इमाम बदला जाता और प्रतिदिन सबको सजा देता,
क्योंकि जानबूझकर औरंगजेब देर से आता था और सारे इमाम औरंगजेब को खुश करने के लिए देर से नमाज शुरू कराते थे। सोचते थे कि जब तक औरंगजेब बादशाह नहीं आएगा नमाज कैसे शुरू कर देंगे। एक दिन एक इमाम ने सोचा कि हमें कुछ उल्टा काम करना चाहिए, हमें बादशाह की प्रतीक्षा नहीं करनी है। उसने निश्चित समय पर नमाज शुरू करा दी। औरंगजेब उस दिन भी देर से आया और कहा आज से यही इमाम रहेंगे, क्योंकि इसके पहले जो इमाम थे अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे, मेरी इबादत कर रहे थे। मैं एक बादशाह हूँ तो इंसान, आखिर मेरी प्रतीक्षा क्यों की जाएगी कि जब तक मैं नहीं आऊँ नमाज क्यों नहीं शुरू की जाएगी। तो ऐसी उसकी मानसिकता थी। अब जब सब सुंदर साथ धीरे धीरे सारी बात बताने लगते हैं, दूर जो दरबारी बैठे हैं थर थर कांप रहे हैं। शेख सलेमान कांप रहा था। शेख सलेमान को कुछ समय के लिए दरबार से बहिष्कृत किया था औरंगजेब ने। उसको डर लग रहा था कि मेरे पास तो कई महीने ये भटके हैं और मैं आज कल करते करते कई महीने इनको लटकाए रखा, मिलने नहीं दिया। यदि इन्होंने मेरी शिकायत कर दी तो हो सकता है मुझे भी फांसी पर लटकना पड़ जाए। जितने दरबारी थे सबके अंदर भय समा गया था। अंत में सुंदर साथ ने बोल ही दिया लालदास जी के नेतृत्व में कि बादशाह सलामत। जामा मस्जिद के दरवाजे पर रुका चिपकाने वाले हम हैं, 5 नलवे हमने तैयार किए थे, एक काजी शेख इस्लाम के लिए, एक रिजवी खान जो आपका दरबारी था उसके लिए, एक आकिल खान के लिए तैयार किया था, आकिल खान ने लेने से ही मना कर दिया था, एक शेख निजाम आपके धर्मगुरु के लिए, और आपके एक जो कोतवाल हैं सिद्दीक पौलाद उनके लिए, लेकिन किसी ने भी हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। हम चाहते हैं कि आप हमसे कुरान के ऊपर दीन इस्लाम के बारे में रूबरू बात करें। हम आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबी जमा का संदेश लेकर आए। औरंगजेब को अनुभव तो हो चुका था कि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं, क्योंकि कुरान में ये बात दर्शाई गई है कि दुनिया के साल हजार जब बीत जाते हैं और तो खुदा का एक दिन होता है, और दुनिया के 100 साल बीत जाते हैं तो खुदा की एक रात होती है। यानी दिन और एक रात 1100 वर्षों के बाद क़यामत का समय निश्चित होता है, और उसी समय एक धर्म सुधारक के रूप में अखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा का अवतरण होना है, और यही वो समय चल रहा है। उसको सब बात मालूम है, लेकिन दरबारियों ने सोचा कि यदि बादशाह ने अकेले में बात कर लिया तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमने आज दिन तक इनको बादशाह से मिलने में रोके रखा, और उनको सबसे बड़ा डर खाया क्या जा रहा है कि यदि बादशाह अकेले में मिल लिया और ये इमाम मेहदी से मिलना चाहता है, यदि ये हिंदू महात्मा की शरण में चला गया, उनको पता चल गया था कि ये जो 12 खड़े हैं इनमें 10 तो हिंदी हैं, ये 2 जो मुसलमान हैं शेख बदल और कायमुल्ला ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं, और 4 हिंदू हैं जो इसी दिल्ली के रहने वाले हैं, चंचल दास हैं, बनारसी हैं, दास हैं, दयाराम हैं, ये सब दिल्ली के 5 यहीं के हैं, तो हमें किसी न किसी से रुकना होगा। उनको समझाया अकेले में ले जाकर के बादशाह से कहा कि बादशाह यह देखिए, आपको अकेले में बात करने की इनसे क्या हो सकता है, हम इतने दरबारी हैं, आप हमें इनसे बात करने दीजिए, अकेले में आपके लिए आपकी सुरक्षा के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि ये 2 जो हैं ये दिल्ली के मुसलमान हैं, ये शेख बदल है और ये कायमुल्ला है, और ये दयाराम हैं, चंचल दास हैं, ये बनारसी दास हैं, इन लोगों की तो दिल्ली में गंगाराम है, इनकी सबकी दुकानें हैं दिल्ली में, 6 दिल्ली के थे और 6 बाहर के सुंदर साथ हैं। तो बादशाह सोच तो रहा है कि मुझे इनसे बात करना है, फिर सोच लिया कि क्यों नहीं इनकी तहकीकात कर ली जाए, क्योंकि औरंगजेब में एक दोस्त था, वह वहमी बहुत था,
उसको दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं था, न तो अपनी पत्नी पर विश्वास था, अपने लड़कों पर भी विश्वास नहीं था। हिटलर की भी यही कहानी है, हिटलर को अपनी संगी पत्नी पर भी विश्वास नहीं था, वो उससे पास खड़े होकर के बातें भी नहीं करता था, उसको डर लगता था कि मेरी पत्नी कहीं मुझे ही ना मार डाले। औरंगजेब के साथ भी यही सनक थी, इसलिए कभी भी अपने किसी बेटे को उसने पूरा अधिकार नहीं दिया, और यही कारण है कि उसके उत्तराधिकारी योग्य नहीं हो सके। एक जरूर घटना इतिहास में देखने को मिलती है कि कोई भी मुगल सम्राट जब अंतिम दिनों में अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तो उसने केवल राजस्थान के राजपूतों पर विश्वास किया है, क्योंकि हर मुगल बादशाह को मालूम था कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा दामाद, कोई भी मेरे परिवार का मेरी हत्या कर सकता है, लेकिन जो हिंदुओं में राजपूत हैं वो मेरे साथ दगबाजी नहीं करेंगे। चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, सबकी सहायता हिंदू राजपूतों ने की है। यदि छत्रसाल जी के पिता चंपत राय और उनकी माता सनंधा का योग नहीं होता तो औरंगजेब भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। औरंगजेब कितना क्रूर था आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका बड़ा भाई था दारा सिकोह, जो सूफी विचारधारा को मानता था। चार भाइयों में सबसे छोटा था औरंगजेब, लेकिन उसके अंदर परम धाम की आत्मा है, जीव खूंखार है, आत्मा तो दृष्टा है। औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को मरवाया और दारा सिकोह को दिल्ली में हाथी से बंधवा कर घसीटवाया और उसकी गर्दन कटवा कर चौराहे पर लटकवा दिया था। किस लिए? सत्ता के लिए। अपने पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद करवा दिया और जहरीले तेल से इस तरह से मालिश करवा दिया कि शाहजहां ने तड़प तड़प कर शरीर छोड़ा। अपने पिता को भी नहीं बख्शा, क्योंकि उसका पिता दारा सिकोह को चाहता था। घटना ऐसी है कि दारा सिकोह के साथ पूरी मुगल सेना थी, औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार रह चुका था, उसको युद्धों का काफ़ी अनुभव था। औरंगजेब यही दर्शाना चाहता था कि मैं तो फकीर हूँ, मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से उसके अंदर कट्टर सुन्नीपना था। और जो घटना शाहजहां के समय में एक घटना घटी थी, एक छोटे से बालक ने जिसका नाम आप सुनते होंगे, जरा सी बात के लिए मदरसे में पढ़ते समय मुगल ने बच्चों ने गाली दे दी थी, उसने भी गाली दे दी थी। काजियों ने कहा कि नहीं, इसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, या तो इस्लाम स्वीकार करे या फांसी की सज़ा मिले। हकीकत राय नाम है उस बालक का, 12 साल के बच्चे को मौत की सज़ा दी जाती है कि उसने अपशब्द क्यों बोला। उसके पिता ने रो रोकर घंटा बजा दिया था। शाहजहां ने जितने मौलवी थे, काजी थे, जिन्होंने गलत निर्णय दिया था, उनको ले जाकर यमुना में डुबो दिया था। अब जितने मौलवी थे उनके मन में यह बात थी कि शाहजहां दारा सिकोह से प्रेम करता है ज़्यादा, औरंगजेब से करता नहीं। यदि दारा सिकोह गद्दी पर बैठेगा तो पुनः हिंदुओं का राज हो जाएगा, इसलिए औरंगजेब को इतने कट्टर संस्कार दिए कि उसके अंदर घृणा ही घृणा भर गई थी। दारा सिकोह, मुराद, ये सभी बड़े भाई थे औरंगजेब के। जब अकबर के विरुद्ध अकबर के बेटे ने विद्रोह कर दिया जहांगीर ने, तब भी जहांगीर की सुरक्षा भी, संरक्षण भी हिंदुओं ने दी, राजपूतों ने दी थी। और अभी मैं प्रसंग कर रहा था, जहांगीर के भी विरोध में शाहजहां ने विद्रोह किया था। उस समय मृत किस्मे भी जहांगीर ने हिंदू राजपूतों से सहायता मांगी। कोई भी मुगल बादशाह जब असहाय हो जाता था मृत्यु के समय तो अपने आसपास के सुरक्षा घेरे में केवल राजपूतों को ही रखता था। उसको विश्वास था कि राजपूत अपनी जान तो दे देगा, दगाबाजी नहीं करेगा, और चाहे अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो,
अपना साला क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, किसी पर भी मुगल बादशाहों ने विश्वास नहीं किया। जिन हिंदुओं का खून बहाते रहे उन्हीं हिंदुओं पर उनको विश्वास करना पड़ा। लेकिन हिंदुओं की कहानी ये रही कि वफादारी तो थी, देश के लिए वफादारी इनमें नहीं थी, अपने राज्य के लिए वफादारी थी। यदि राजस्थान के तीनों राजपूत वंश सिसोदिया, कछवाहे और राठौर एक हो जाते तो मुगल संतनन के पांव जमते ही नहीं। यदि मान सिंह की तलवार नहीं उठती तो काबुल पर कभी मुगलों का अधिकार नहीं हो पाता। जय सिंह और मान सिंह ने मुगल सल्तनत का विस्तार किया और जय सिंह और मान सिंह ने मुगल सल्तनत को खुश करने के लिए अपने ही हिंदू भाइयों को कत्ल किया। इनको देश नहीं चाहिए था, इनको अपना जयपुर के घराने का राज्य सुरक्षित करना था, भले ही पूरा देश गुलाम हो जाता। इनकी वफादारी किस पर थी? केवल मुगल सल्तनत पर थी। इसी का परिणाम हुआ कि देश गुलाम रहा। हाँ, वचन देकर किसी राजपूत राजा ने कभी दगाबाजी नहीं की है, जबकि मुगल इतिहास में हमेशा यह देखने को मिलेगा कि कुरान को सिर पर रखकर कसम खाने के बाद भी ये कसम से पलट जाते हैं। ऐसी ही घटना हुई थी, अहमद शाह अब्दाली ने जब हमला किया था भारत पर, उस जब मराठों ने अवध पर हमला किया, अवध के नवाब से एक संधि हुई थी कि कोई भी विदेशी शक्ति आक्रमण करेगी तो हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो एक मौलवी ने अपना फतवा सुनाया कि मराठे या यहाँ के हिंदू काफिर हैं, इनके विपरीत में यदि सारे मुसलमान एक हो जाएं तो हमें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। यानी मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए अहमद शाह के समर्थन में अवध के नवाब की सारी सेना गई, जबकि इन्होंने कुरान को सिर पर रखकर कसम खा करके कहा था कि हम कभी भी दगाबाजी नहीं करेंगे। मैं वही प्रसंग कह रहा था कि दारा सिखों के समर्थन में शाहजहां की सेना खड़ी थी। शाहजहां को तो आगरे के किले में कैद करवा दिया था औरंगजेब ने, और पहाड़ की तरह खड़ी थी, उसका कुछ नहीं बिगड़ पा रहा था। चंपत राय और सरंदा जो छत्रसाल जी के माता पिता थे, उन्होंने अपनी सेना के साथ जो हमला किया तो मुगल सेना के पांव उखड़ गए। और उनकी सहायता के लिए दारा सिखों की सेना में जसवंत सिंह भी थे। लड़ रहे हैं कौन? हिंदू हिंदू लड़ रहे हैं। किसको गद्दी पर बैठाना है? एक पक्ष कह रहा है कि दारा सिखों बैठे, एक पक्ष कह रहा है कि औरंगजेब बैठे। लेकिन यह इतिहास के पन्ने देखिए, जब औरंगजेब गद्दी पर बैठ गया तो उसी चंपत राय के खून का प्यासा हो गया, और चंपत राय को पकड़ने के लिए उसने अपनी सेना भेज दी थी एक घोड़े को लेकर। घटना यह थी कि उस युद्ध में दारा सिखों की सेना का जो सेनापति था घायल हो गया था, और सारंदा ने उस घोड़े को जीत लिया था। एक बड़ी जागीर मिल गई थी चंपत राय को, दिल्ली में रहने लगे थे। लेकिन जब औरंगजेब बादशाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया, औरंगजेब वही जो सेनापति था, जो पहले सिखों का दारा सिखों का सेनापति था, अब औरंगजेब के अधीन हो गया। उसने देखा कि ये मेरा घोड़ा है। छत्रसाल जी के और भी भाई थे। एक दिन सरंधा का पुत्र उस घोड़े को लेकर के कहीं घूम रहा था, सेनापति ने देखा कि ये तो मेरा घोड़ा है, जबरदस्ती उस घोड़े को ले लिया। वो लड़का रोता हुआ, यानी छत्रसाल के बड़े भाई रोते हुए सरंधा के पास आए। सरंधा ने पहले तो अपने बेटे को डांटा, लेकिन स्वयं में नंगी तलवार लेकर औरंगजेब के दरबार में पहुंच गई। बादशाह के दरबार में सन्नाटा छा गया कि एक राजपूतनी स्त्री तलवार लेकर के, वो भी नंगे। सरंधा ने सीधे कहा कि सेनापति जी घोड़ा वापस कीजिए। सेनापति ने कहा कि ये घोड़ा मेरा है। सरंधा ने कहा कि मैंने युद्ध में इसको जीता है, इसलिए मेरा घोड़ा है, आपने एक छोटे बच्चे से छीन लिया, ये उचित नहीं है। जब काफ़ी उग्रता में बातें होने लगी, औरंगजेब बहुत चतुर था, उसने कहा कि
रानी साहिबा आपको घोड़ा तो मिल जाएगा लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सानंदा ने उत्तर दिया कि मुझे घोड़ा चाहिए चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े क्योंकि ये राजपूती आन की बात है। औरंगजेब ने घोड़ा तो दे दिया लेकिन अपनी सेना लगा दी, जागीरदारी से वे बेथकल कर दिए गए। अब उनके पीछे सेना लगा दी चंपत राय को पकड़ने के लिए। आप सोचिए यदि सारंधा और चंपत राय का योग नहीं होता तो औरंगजेब कभी भी दिल्ली के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। लेकिन वही औरंगजेब की सेना चंपत राय की मृत्यु का और सारंधा की मृत्यु का कारण बनी। लेकिन इतना होते हुए भी कभी इस देश के राजाओं ने कोई सबक सीखने का प्रयास नहीं किया। आप देखेंगे चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था, एक तरफ राणा प्रताप की सेना में 16,000 सैनिक थे और अकबर की सेना में इसका दुगुना लगभग थे। दोनों तरफ राजपूत ही थे। सलीम खान सेनापति था। सलीम खान से मुगल सैनिकों ने पूछा कि साहब बताइए दोनों तरफ तो राजपूत ही दिख रहे हैं, हम कैसे पहचाने कि किसको मारे, हमारी तरफ भी राजपूत है उधर भी तरफ भी राजपूत है। सलीम का उत्तर था जो मिले मारो, कोई भी मरेगा तो राजपूत ही तो मिलेगा, हमारा इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि मुगल सेना भी हमारे साथ है, जीत तो हमारी होनी है। ये उत्तर था। लेकिन नीति को न जानने के कारण ये देश की दुर्दशा होती रही। और आप देखेंगे ये धर्म की लड़ाई चल रही है, एक तरफ शरीयत का राज्य है दूसरी तरफ सत्य का प्रकाश लेकर के ये 12 सुंदर साथ खड़े हुए हैं। और औरंगजेब बादशाह के दरबार में जाकर के कितनी तेज आवाज में बोल रहे हैं। एक सैनिक आया और उसने कोतवाल सिद्दीक फौलाद से कहा कि देखिए ये जो 12 मोमिन का दावा लेकर के आए हैं, ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं, आज तक बादशाह के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यदि शाहजहां के शासन में ऐसा कोई बोलता तो इनकी तो गर्दन काट दी जाती। यदि बादशाह के सामने इतनी तेज आवाज में बोल रहे हैं, यदि अकेले में पा जाएंगे तो बादशाह के लिए खतरा है। अब परिणाम क्या हुआ, औरंगजेब के मन में डर बैठ गया। औरंगजेब डरपोक, औरंगजेब संकालु भी था, वहमी था और डरता भी था कि कहीं ये अकेले में मुझे मारने दें। एक बात आप देखिए, राणा प्रताप डरपोक नहीं थे, शिवाजी डरपोक नहीं थे। भारतीय संस्कृत में भय नाम की चीज नहीं होती है। नेपाल के गोरखा जब भी मरते हैं तो सीना ऊपर करके ही मरते हैं, पीठ ऊपर करके कोई नहीं मरेगा। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की जब मृत्यु होती है तो उस समय भी अभिमन्यु भी जब मरा था तो सीना ऊपर करके ही मरा था। जितने बहादुर होते हैं उनको मौत से डर नहीं लगता था। मुगल मौत से डरते थे क्योंकि सोचते थे कि दोबारा जन्म तो इंसान का मिलना ही नहीं है, लेकिन उनके अंदर क्रूरता थी क्योंकि वो मांसाहारी थे। और दाल रोटी खाने वाले राजपूतों के हाथ में शक्ति तो थी लेकिन राष्ट्रीय भावना नहीं थी कि सभी मिलकर देश की धर्म की और संस्कृति की रक्षा करें। यह भावना केवल शिवाजी के अंदर थी, राणा प्रताप के अंदर थी, लेकिन राजपूतों में इतनी फूट थी कि राजस्थान के किसी भी राजपूत ने न तो राणा प्रताप का साथ दिया और न रत्न सिंह को साथ दिया, जबकि देश के सारे मुगल राणा प्रताप के विरुद्ध हो जाते थे, रत्न सिंह के विरुद्ध हो गए या किसी के भी विरुद्ध हो जाते थे। समाज में एकता कब होती है, धर्म से होती है। हिंदुओं के पतन का कारण क्या रहा, ये कड़वा सच है कि हिंदुओं में जन जागृति नहीं रही। जन जागृति कहाँ से होगी, शिक्षा से होगी। शिक्षा है नहीं, मंदिरों में केवल घंटी घड़ियाल बजते रहे, मंदिरों से समाज में शिक्षा फैली नहीं। और जो पढ़ाने वाले ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण को ही केवल पढ़ाते थे, बहुत खुश हुए तो किसी छत्री को पढ़ाते थे, शूद्र को तो पढ़ाना ही नहीं था, स्त्री को पढ़ने देना नहीं था, वैश्य को केवल हिसाब किताब आता था,
ऐसी स्थिति में देश का उद्धार कब कैसे होगा। आज भी जो पौराणिक रूढ़िवादिता के मानने वाले हैं वो इस पक्ष में नहीं है कि शूद्र और स्त्री को वेद की शिक्षा दी जाए। आप देखेंगे गीता प्रेस सस्ती रामायण छापेगा, सस्ती महाभारत छापेगा, सस्ती से सस्ती गीता छापेगा, वेद कभी नहीं छापेगा, क्योंकि उसके मन भ्रम है कि यदि हम वेद छाप देंगे तो शूद्र भी पढ़ लेंगे, स्त्री भी पढ़ लेंगे। पूछा जाए कि कहाँ लिखा है, यजुर्वेद के 26वें अध्याय के 2 मंत्र में लिखा है, यथा इमाम वाचम कल्याणी आवदाम जनेभ्या ब्रह्म रजान्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय च चरणाय च। मैंने इस वेद वाणी को ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, सबके लिए उत्पन्न किया है। वेद का ज्ञान सबके लिए है। आप कुरान को देखिए, कुरान में मुसलमानों में भी 4 वर्ग होते हैं, शेख, सैयद, पठान और भी कई छोटी छोटी इनसे नीचे जातियाँ भी होती हैं, लेकिन कुरान के पढ़ने के नाम पर सब एक हैं। किसी के साथ भेद नहीं होगा कि तुम कुरान नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन वेद को पढ़ाने के नाम पर जब भेदभाव होने लगेगा, आधी से ज़्यादा जनसंख्या अनपढ़ रह जाएगी, तो देश का भला कैसे हो सकता है। महिलाओं को शिक्षा न मिले, शूद्रों को शिक्षा न मिले, वैश्य को शिक्षा नहीं मिले, तो 80% जनता को अशिक्षित रखकर आप क्या आशा करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो केवल पूजा पाठ में लगे हैं, फिर जो प्रशासन चलाएगा वो अनपढ़ रहेगा तो कैसे प्रशासन चल सकता है। यही कारण है कि देश 1000 वर्षों की गुलामी को झेलता रहा। अब सिद्दीक फौलाद कट्टर बहुत क्रूर है, उसको औरंगजेब बादशाह ने अकेले में बुलाकर कहा कि देखो इनकी जांच करो कि ये कौन है। औरंगजेब ने पूरे अपने दरबार में जासूसों का, गुप्तचरों का जाल बिछा रखा था। एक उसने आकर के ये सारी बातें सिद्दीक फौलाद से कही थी, फिर औरंगजेब बादशाह के मन में डर बैठ गया जब उसको भी कहा गया कि बादशाह आप इन सब से 12 व्यक्तियों से अकेले में आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि 12 सुंदर साथ ने शर्त क्या रखी थी कि बादशाह से हम अकेले बात करें और अकेले जब हम वार्ता करें तो आपके कोई भी ये दरबारी हमारे बीच में दखलंदाजी ना दें, क्योंकि ये शेख सुलेमान हैं जिनके पास हम कई महीने तक भटकते रहे। रुका हमने चुपकाया, 5 आपके दरबारियों के पास हमने नलवे भेजे लेकिन किसी ने भी हमारा उत्तर नहीं दिया। अब तो सबकी बात खुल गई थी, इसलिए सब ने एकजुट होकर बादशाह पर दबाव बनाया कि आप इनसे अकेले में बात नहीं करेंगे। लेकिन औरंगजेब बादशाह ने सिद्दीक फौलाद को कह दिया कि इनकी केवल जांच करो और इनको अच्छी तरह से रखना, इनको मलिदे खिलाना, ये नहीं कहा कि इनको प्रताड़ित करना। अब आप जानते हैं कोतवाल की भाषा क्या होती है, कोतवाल शालीनता से तो कभी बात करने वाला नहीं। अब सुंदर साथ समझ गए हैं कि हमारे साथ कुछ अशुभ होने जा रहा है। ये राज्य की कृपा कि सिद्दीक फौलाद के हाथों में पड़कर भी वो जीवित बचकर आए। रात्रि के एकांत में उनके साथ यातना का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले पूछा गया क्या भोजन करोगे, सब सुंदर साथ ने निर्णय किया कि हम थोड़ी देर में बताते हैं। सबने कहा कि हम शाकाहारी भोजन करेंगे, क्योंकि 2 तो मुसलमान थे, शेख बदल और कायम मुल्ला, उन्होंने कहा कि नहीं, हम इमाम मेहदी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं, हम मांस का सेवन नहीं कर सकते। जाकिर नाइक से किसी ने पूछा कि क्या मांस खाना जायज है, गाय का मांस खा सकते हैं। उसने सीधे उत्तर दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान के इस बारे में, इस आयत में लिखा है कि जो 4 पैर वाले हैं उसको तुम खा सकते हो। अर्थ का अनर्थ करके जाकिर नायक ने सारे संसार में एक विष का बीज बो दिया, घृणा का शिकार बना दिया दूसरे धर्मानों को। एक गाय जो आपको दूध देती है, माँ की तरह आपका संरक्षण देती है, फिर उसको मार करके खाना, ये तो नहीं लिखा है कि गाय मार करके ही खाओ। पहली बात तो यह है कि कुरान में आयतें जोड़ी गई हैं,
जब 30,000 मारिफत के शब्द मोहम्मद साहब की जबान पर चढ़े ही नहीं, तो कुरान में हरफ तो 60,000 होनी चाहिए, या तो 60,000 हो या 90,000 हो, लेकिन जैसे हरफे मुक्तियात के भेद नहीं खोले गए, हरफे मुक्तियात हैं अलिफ लाम मीम ऐन गैन सा काइफ, ये सब 12 हरफे मुक्तियात हैं। पहला पारा अलिफ लाम मीम का पारा है जिसमें कहा गया है कि इसके भेद केवल अल्लाह ताला ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। फिर भी जो मारिफत के शब्द हैं वो तो मोहम्मद साहब की जबान पर चढ़े ही नहीं थे। ऐसी अवस्था में ये कहना कि अल्लाह ताला कहता है कि जो चार पैर वाले हैं सबको मार कर खाओ, ये तो नहीं लिखा कि किसको उसको खाओ, क्या किसी कुरान की आयत में लिखा है? लेकिन अपनी जीवा के लिए मनुष्य हर पंथ में कुछ न कुछ मिलावट करता है, तोड़ मड़ो का अर्थ करता है ताकि उसका स्वार्थ सिद्ध हो सके। अब सिद्दीक फौलाद रात के अंधेरे में उन सुंदर सात पर यातना ढाता है। आप जानते हैं यातना कैसे ढाती ढाई जाती है, लेकिन किसी के भी सुंदर सात के मुख से आंसू नहीं निकले, न ही किसी ने बताया कि श्री जी कहाँ है। अब अगला दिन होता है, सिद्दीक फौलाद भी थक गया, कुछ उगलवा नहीं सका, क्योंकि औरंगजेब ने कहा था इनका परिचय लेना। आप जानते हैं भारत की पुलिस, विशेषकर उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी कठोर होती है, चोर से भेद उगलवाना है तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगी, वो डंडे का इस्तेमाल करती है। मैंने देखा है चोर से जब पुलिस पूछती है तो बेरहमी से पीटेगी, ये नहीं सोचेगी कि इसने किया है कि नहीं किया है, कुछ बुद्धि का भी उपयोग करके हम दूसरे रास्ते से इसे उगलवा सकते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसे आता नहीं। और वो तो कोतवाल था, खूंखार कोतवाल, जिसने शिवाजी जैसे महावीर को कैद किया था। अब अगले दिन काजी शेख इस्लाम को ये बात पता चलती है, काजी शेख इस्लाम सब 12 सुंदर साथ को अपने यहाँ बुलाता है, अपनी अदालत में बुलाता है और पूछता है कि बताइए आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? काजी शेख इस्लाम जब इस तरह से पूछता है, लालदास जी सुंदर साथ के की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे कहते हैं कि काजी साहब हमने क्या काम किया था, क्या हमने चोरी की थी या चरित्रहीनता की थी? हमारे साथ जो ये अत्याचार हुआ, आप हमारे शरीर पर बने हुए घाव देखिए, जब मोहम्मद साहब का वास्ता दिया लालदास जी ने, क्या मोहम्मद साहब ने यही सिखाया है कि जो मोहम्मद पर ईमान लाए उसके साथ ऐसा व्यवहार कीजिए जो आपके सिद्दीक फौलाद ने किया था? हम तो आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब जमा का संदेश देने आए थे और आपने हमारे साथ ये व्यवहार किया। अभी तक में स्पष्ट लिखा है, सुन के काजी रोया, काजी की आँख से आंसू आ गए जब उसने 12 सुंदर साथ के शरीर की हालत देखी, कि आप हमारे मोहम्मद साहब पर इतनी श्रद्धा रखते हैं और आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो निश्चित रूप से हम दोष के भागी हैं। अब काजी पूछता है कि बताइए 1000 महीने से जो बेहतर रात्रि कही है 30वें सिपारे में, उसका अर्थ क्या है? लालदास जी ने बता दिया कि इन्ना इन्ना हूँ फिर लैलतुल कद्र माँ बदर का। काजी साहब 1000 महीने से बड़ी रात्रि तो इस दुनिया में हो नहीं सकती, क्योंकि इस दुनिया की कोई भी रात दिन रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। यदि ध्रुव प्रदेश की भी रात्रि मिला लें तो ध्रुव प्रदेश में भी अधिकतम रात्रि 6 महीने की होती है, जाड़े में 14 घंटे की रात होती है, आप यूरोप में जाएंगे तो हो सकता है 18 घंटे की रात हो जाए। ध्रुव प्रदेशों पर 6 महीने की अधिकतम रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, लेकिन कुरान में कहा गया है कि वह 1000 महीने से बेहतर रात्रि है जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने परवरदिगार के हुक्म से इस फानी दुनिया में उतरते हैं। अब इसका अर्थ परमधाम की आत्माओं के कौन जान सकता है? मौलवी लोगों को इसका अर्थ नहीं आता तो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं।
बताया कि 1638 में ईसा रूहल्ला का आगमन होता है। दसवीं ईसा ग्यारहवीं इमाम बारी सदी फजर तमाम ए लिखा बीस सिपारे आम तीसवा सिपारा चाकोना। तीसवें सिपारे का उदाहरण देकर बताया कि देखिए दसवीं सदी में ईसा रूहल्ला का आगमन होता है विक्रम संवत 1638 में, और 83 वर्ष बीत जाते हैं। 1000 महीने में 83 वर्ष होते हैं। 1722 तक ये समय पूरा होता है। दो तनों से लीला का यह प्रसंग है। अभी तक में स्पष्ट कहा गया है कि 1722 के पश्चात तीन से जो बेहतर कही श्री जी वादी कबर रू अल्लाह ने श्यामा जी ने पहले तन में लीला की, उसके पश्चात दूसरे तन में 1722 के पश्चात उनकी जागनी लीला शुरू होती है उनके तन के द्वारा, दूसरे तन के द्वारा। इसको 1000 महीने से बेहतर कहा है। अंत में समझाया कि मिलाप हुआ जब मेहदी से तो कहियो महामती नाम। काजी ने पूछा, पहले तो अगले दिन जब बुलाया था तो उस पर प्रायश्चित किया, कुरान की जब बातें पूछने लगा सारा उत्तर देते गए कि देखिए जब मोहम्मद अहमद और मेहदी तीन सूरतें, मोहम्मद हुआ मेहदी अहमद कहलाया सही, खिताब दिया जब खसमे तब भेली इमाम भाई। मोहम्मद क्या है बसरी सूरत, अहमद मल की सूरत, मेहदी हक की सूरत, और इनका मिलन होना है इमाम से। यानी बसरी सूरत में अक्षर की आत्मा है, मलकी सूरत में श्यामा जी की आत्मा है, और हकी सूरत में चितघन शक्ति का आवेश है, महामती जी की इंद्रावती की आत्मा है, जिनको मेहदी कहा गया। मोहम्मद अहमद मेहदी, इसी को अलिफ लाम मीम कहते हैं, इसी को सच्चित आनंद कहते हैं, इसी को बसरी मलकी और हकी कहते हैं। अल्लाह कया मोहम्मद को रूह अल्लाह इस्लाम मीम मेहदी पाक से ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। कुरान का कथन है कि तीनों एक स्वरूप हैं और राज्य ने इन तीनों सूरतों को धारण किया है। जब इन सारी बातों को सुना काजी ने तो सोचा कि सचमुच यही इमाम मेहदी के आदमी हैं, और स्वीकार किया कि वरहक हम स्वीकार करते हैं कि इमाम मेहदी आ गए आ गए आ गए, लेकिन आप इसको जाहिर नहीं करना, क्योंकि यदि आप इसको जाहिर करते हैं तो हमारी सरा तोरा का राज्य समाप्त हो जाएगा। मुसलमानों को क्या डर था कि यदि औरंगजेब बादशाह को पता चल गया कि इमाम मेहदी जाहिर हो गए हैं तो अपनी बादशाहत को भी छोड़ देगा, और परिणाम यह होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंध तक जो एक छत्र साम्राज्य मुगल फैला हुआ है वो सब समाप्त हो जाता। सत्ता के लिए मनुष्य दीन को छोड़ देता है, ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि सत्ता का सुख दिखाई देता है, आध्यात्मिक सुख तो दिखाई नहीं देता। मनुष्य की आंखें बहिर्मुखी होती हैं, वो बाहर की तरफ भागती हैं। यही कारण है कि इमाम मेहदी आए लेकिन औरंगजेब ने उनकी पहचान नहीं की। एक घटना आती है, औरंगजेब बादशाह को पता चल गया था, अकेले में दिल्ली में एक स्थान है जहाँ पर जाकर के वो एक सूफी फकीर का स्थान था, चुपके से जाकर श्री जी के चरणों में मिला भी, सारी बातें भी किया, भेष बदल करके आया था। क़यामतनामा में ये प्रसंग दिया हुआ है। भेष बदल कर औरंगजेब आता है, श्री जी से सारी बातें करता है, कहता है कि देखिए मैं शरीयत को कैसे छोड़ सकता हूँ, बिना शरीयत को छुड़ाए आप मुझे ये ज्ञान दीजिए, मैं आपके चरणों में हूँ। श्री जी कहते हैं कि नहीं, शरीयत और हकीकत में मेल हो ही नहीं सकता। यदि तुम्हें अपनी आत्मा को जागृत करना है तो तुम्हें हकीकत और मारिफत के ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा। उसके मन में डर बैठ गया था, परिणाम यह हुआ कि वो चुपचाप वहाँ से चला गया। एक तो अहंग होता है पद का, कभी पूरा ज्ञान उसके अंदर प्रवेश किया नहीं, सत्ता का इतना मोह, उसको तो डर बैठ गया था, और डर भी वाजिब था। अधिकारियों ने ये बात फैला रखी थी कि यदि औरंगजेब बादशाह उस हिंदू महात्मा की शरण में जाते हैं, उनको पता था कि ये जो 10 हिंदू हैं इनके गुरु भी हिंदू ही हैं,
उन्होंने कह रखा था कि यदि औरंगजेब बादशाह प्राणनाथ जी के चरणों में जाए तो हम औरंगजेब की ही हत्या कर देंगे। अब श्री जी उस समय कामा पहाड़ी पर चले गए थे। कामा पहाड़ी मथुरा के पास पड़ती है, आगरा के पास, आगरा मथुरा के पास वो कामा पहाड़ी का स्थान है। कान्जी भाई सारी सूचना देते हैं। जैसे ही कान्जी भाई आकर के बताएं कि धामधनी रात के अंधेरे में सिद्दीक फौलाद ने सुंदर साध के साथ यातना दी, बुरा व्यवहार किया, श्री जी को बहुत बुरा लगा। उनके मुख से यही निकला कि इनका अब जड़ से नाश हो जाएगा। आप देखेंगे एक चौपाई आती है, ये नेक रखी रात खींच के शोभे वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती वे रहे हैं। इस ब्रह्मांड का प्रलय करना श्री जी के केवल आदेश की प्रतीक्षा थी, लेकिन ये नेक रखी रात खींच के शोभे वास्ते तुम, अभी तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का ज्ञान उतरा नहीं, श्यामा जी के स्वामित्व के 40 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए, परम धाम की आत्माओं की जागनी हुई नहीं, कैसे खेल को खत्म किया जा सकता था। इससे राज्य के आदेश से खेल को रखा गया और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। औरंगजेब के परिवार का हर सदस्य, एक एक सदस्य हर वर्ष मरने लगा। हर वर्ष इतनी क्षति होने लगी कि औरंगजेब बादशाह अपना सम्मान बचाने के लिए दक्षिण भारत में चला गया मराठों का दमन करने के नाम पर, और वही संघर्ष करते करते शरीर छूटा। औरंगजेब जब सिंहासन पर बैठने चाहता था तो उसको देखता था कि वहाँ तो एक सिंह बैठा है। सभी दरबारियों से कहता कि मैं इस पर नहीं बैठूंगा, वो वहाँ तो शेर बैठा है। दरबारियों को नहीं दिखता था, केवल औरंगजेब को दिखता था। और जब उसने मना कर दिया, दरबारियों ने कहा कि नहीं हुजूर, यहाँ कोई भी शेर नहीं है। जबरदस्ती बैठाने का प्रयास किया, उसको लगा कि शेर गुर्रा रहा है, और दहशत के मारे औरंगजेब तख्त ताऊस से गिर गया। उसके पश्चात दोबारा कभी भी तख्त ताऊस पर नहीं बैठा। श्रृंगार में चौपाई आती है, सा बैठे तख्त कहावते, सो दिए तख्त से उल्टा है। यानी औरंगजेब बादशाह तख्त ताऊस पर न जाने कितने करोड़ों अरबों के हीरे मोती जड़े थे, उस तख्त ताऊस पर बैठकर बादशाह कहलाता था। श्री जी के तीक्ष्ण दृष्टि से उसको ऐसा दंड मिला कि कभी दोबारा बैठने का साहस नहीं कर पाया, और उसकी सारी सल्तनत इस तरह से छीन हो गई। आप भी तक में प्रसंग सुनेंगे, इतिहास की घटना है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के पास तो ऐसा समय आ गया कि दिल्ली में उनके महल, शाही महल में खर्चा चलाने के लिए, खाने के लिए भी तंगी होने लगी थी, अंदर कंगाली फैल गई थी। जिस बादशाह के पास बेशुमार सेना थी, बेशुमार दौलत थी, उसमें कंगाली ही कंगाली ने राज किया था। वो सोचते थे कि छत्रसाल जी या कोई हिंदू राजा आकर हमें कुछ दे। याद रखिए, जो सूरज दोपहर को चमकता है अपने तेज से सबको कहीं ना कहीं प्रभावित किए रहता है, वो शाम ढलने के बाद वो सूरज छिप जाया करता है। इस दुनिया में कितना भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो, बादशाह हो, एक दिन उसकी सत्ता जाती है। हाँ, सच्चा राजा, सच्चा बादशाह वही होता है जो धर्म के अनुकूल कार्य करे। इसलिए मनुष्य को अपने यौवन मिलने के बाद, पद मिलने के बाद, धन मिलने के बाद कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। आकाश में चमकती हुई बिजली थोड़े समय के बाद अदृश्य हो जाती है। हमारा यौवन कुछ वर्षों के लिए होता है, कुछ वर्षों के लिए हम किसी ऊंचे पद पर पहुंचते हैं, कुछ वर्षों के लिए हमारे पास धन आता है, और कुछ समय के पश्चात ये सब समाप्त हो जाता है। जिसने संसार की वास्तविकता को समझ लिया, वो कभी भी यौवन पद और धन पर, रूप पर, विद्या पर, प्रतिष्ठा पर अहंग नहीं करता, क्योंकि ये सारी चीज़ें माया की तरफ ले जाने वाली हैं। जब कान्जी भाई ने श्री जी को सारी बात बताई तो श्री जी बहुत दुखी हुए और मोमिनों के लिए 12 सुंदर साथ के लिए पत्र लिखा। उस पत्र में
अपने हृदय का सारा प्रेम उन्होंने सुंदर साथ के लिए उड़ेल दिया। आखिर ये घटना क्यों हुई? क्योंकि दो के ऊपर मुद्दा था, सकुंडल और सकुमार। परमधाम की दो आत्माएं खेल में से प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। देवचंद जी ने श्री महाराज से कहा था कि महाराज, सकुंडल और सकुमार के जगने में इतना समय लग जाएगा कि इतने में सारी ब्रह्मात्माएं जागृत हो जाएंगी। जब ये दोनों जग जाएंगे तो लाइल मिट होसी फजर, तो पूरे देश में, पूरे संसार में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। सकुंडल की आत्मा है छत्रसाल जी के अंदर, सकुमार की आत्मा है औरंगजेब के अंदर। औरंगजेब की आत्मा को तो जागृत ही नहीं होना था, क्योंकि वो मुस्लिम तन में थी। उसको हिंदी भाषा से घृणा है, हिंदू धर्म से घृणा है, हिंदुस्तानी वेशभूषा उसको नहीं चाहिए। जब उसके पास ज्ञान का प्रकाश ही नहीं मिलेगा तो जागृत कैसे होगा? इमामेदी की शक्ति आई है हिंदू तन में, वो सुनना नहीं चाहता, शरीयत छोड़ना नहीं चाहता। फिर और उसके इर्द गिर्द जितने मौली मुल्लाओं का, जो बड़े बड़े काजी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनका जाल बिना हुआ है, औरंगजेब से बातें करने नहीं देते, तो उसको तो जागृत होना ही नहीं था। ये आगे आप देखेंगे, रक्षाबंधन के दिन छत्रसाल जी से मिलाप होता है श्री जी का। दोनों में किसी एक को जगना था, और मूल स्वरूप ने जैसा ले लिया था वैसे ही होता है। सकुमार की लीला आखिर की लीला है। सकुमार की आत्मा औरंगजेब जैसे क्रूर जीव पर बैठ जाती है, जिसके अंदर दया का कोई अंश नहीं है। हाँ, ब्रह्मात्मा के अंश से उसके जीव में दृढ़ता है, ईमान है, लेकिन दया धर्म नहीं है। वो सोचता तो रहता है, रात को भी कुरान लिखता है, रात को भी नमाज पढ़ता है, अल्लाह की बंदगी करता है, लेकिन कट्टरता है उसके अंदर कि केवल मेरा ही मजहब सच है, और सबको वो घृणा की दृष्टि दिखता है। यहाँ तक कि इस्लाम के अनुयायी जो सूफी फकीर हैं उनसे भी उसको घृणा है। आप देखेंगे कि उसके पश्चात भारत का इतिहास बदलना शुरू होता है, सारी दुनिया का भी मुगल सल्तनत का इतिहास बदलना शुरू होता है, और वहीं से अंग्रेजों का राज्य का विस्तार शुरू हो जाता है। पूरी दुनिया में अंग्रेज छा गए, अंग्रेजों के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, और मुगल सल्तनत धीरे धीरे पतन की तरफ चलने लगी थी। अब श्री जी अपने प्रेम से सुंदर साथ को पत्र लिखेंगे। किन सुंदर साथ को? जो 12 सुंदर साथ औरंगजेब के दरबार में हैं, क्योंकि काजी शेख इस्लाम ने उसके पश्चात औरंगजेब को संदेश भिजवा दिया कि ये 12 सुंदर साथ मेरे पास हैं, और अपने घर में ले जा करके वो रखा है, पहरा अवश्य बैठाता है, लेकिन उनसे सत्संग करता रहता है। जो सुंदर साथ हैं आखिर वो क्या करते? काजी शेख इस्लाम जो कहता है उसकी बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि ये तो निहत्थे हैं। काजी शेख इस्लाम तो औरंगजेब बादशाह का न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी है, यानी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा जज है एक तरह से। उसके एक आदेश पर पूरी मुगल सेना लड़ने के लिए तैयार है, और ये 12 सुंदर साथ क्या कर सकते थे? मोमिन तो गरीब हैं, बकरी जीता बल, बेचारे वो क्या करते? उसने कह दिया कि मैं मानता हूँ कि कुरान के अनुसार आखरुल इमाम मेहदी आ गए हैं, जिनको आप कह रहे हैं वही इमाम मेहदी हैं, लेकिन जब सब ईमान लाएंगे, पहले औरंगजेब बादशाह ईमान लाए तो मैं भी ला लूँगा। औरंगजेब भी अकेले में मिल चुका है, वो भी कहता है कि मैं शरीयत कैसे छोड़ दूँ, जिस शरीयत के लिए मैंने इतना अत्याचार किया है उसी शरीयत के ऊपर तो मैं बादशाहत कर रहा हूँ, वही छोड़ दूँ तो सारे मुसलमान भी मेरे शत्रु हो जाएंगे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आप देखेंगे उदयपुर से ये लीला शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ श्री जी जाएंगे, उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर, पन्ना, हर जगह औरंगजेब चाहेगा कि मैं सेना से पकड़वा लूँ। पकड़वाने का उद्देश्य क्या था? कि सबको मैं बता दूँ कि मैंने तो इमाम मेहदी को कैद कर रखा है, और अकेले में छिपकर इल्म भी ले लूँ, और दुनिया को ये दिखा दूँ कि औरंगजेब ने शरीयत को ही माना, किसी हिंदू बैरागी का कथन नहीं माना। और यही सबसे बड़ी भूल हो गई उससे
कि उसने सत्ता के सुख के लिए अहं के कारण इमाम मेहदी को पहचाना नहीं। जब औरंगजेब के मृत्यु के समय आए, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब यदुनाथ सरकार ने किताब लिखी है, उसके कई वॉल्यूम हैं, उसमें औरंगजेब लिखता है, खुद खुदा मेरे घर चल कर आए था, लेकिन सत्ता के मद में पागल मेरी आंखें उनकी पहचान नहीं कर सकी, उनकी आंखों का नूर नहीं देख सकी, और मैं सबसे अधिक प्रायश्चित कर रहा हूँ कि अल्लाह की बंदगी के सिवा मैंने जो भी समय गुजारा है वह व्यर्थ में गया। क्योंकि औरंगजेब को वो अपने दिन याद आ रहे हैं, किस तरह से अपने भाई बड़े भाई दारा सिखों की गर्दन कटवा कर उसने दिल्ली के चौराहे पर रखवा दिया था, किस तरह से अपने पिता को जहरीले तेल से मालिश करके मरवाया था किसी दिल्ली के तख्तेताउस को पाने के लिए, और उसी तख्तेताउस को आज छोड़ कर जा रहा है। उसके पास कोई आंसू बहाने वाला कोई सच्चा हमदर्द नहीं था। अपने बेटों से कहा अंतिम समय में कि देखो, सबसे लड़ना छत्रसाल से नहीं लड़ना। उसके बेटों ने कहा कि अब्बा, आप छत्रसाल से इतने घबराते क्यों हैं? कहता है औरंगजेब कि छत्रसाल के पास खुदा ही ताकत है, कोई भी उनसे युद्ध में नहीं जीत सकता। कितनी भी बड़ी सेना लेकर जाओ, उनके पास जो खुदाई ताकत है, क्योंकि इमाम मेहदी का वरद हस्त है महाराजा छत्रसाल पर, उनसे कोई भी युद्ध में जीत नहीं सकता। अब आप श्री जी उन सुंदर साथ को, खिमाई भाई जो बुंदेलखंड से हैं, सोमजी भाई खंभात से हैं, चिंतामणि जी ठट्ठे नगर से हैं, लाल दासी हैं, शेख बदल हैं, कायम मुल्ला हैं, चंचल हैं, गंगाराम है, दयाराम है, बनारसी दास है, इन 12 सुंदर साथ को कितने प्रेम के शब्दों में पत्र लिख रहे हैं। पहला वाक्य है, मेरे प्राणों के प्रीतम, आत्म के आधार, जीव के जीवन हो, ये शब्द है। प्राणों का प्रीतम कह रहे हैं, कौन कह रहा है? जिस तन में अक्षरातीत की आवेश लीला हो रही है, वो तन उन 12 सुंदर साथ को कह रहा है। क्योंकि श्री जी के आदेश पर ही तो औरंगजेब को शरीयत के ज्ञान के विपरीत युद्ध का संदेश देने के लिए वो गए थे 12 सुंदर साथ। औरंगजेब के दरबार में जाना यानी मौत को खुले निमंत्रण देना था, लेकिन वे 12 सुंदर साथ श्री जी का निर्देश पाकर ही गए थे। इसलिए श्री जी का भी प्यार उन पर बरसा, और उन्होंने इतने प्रेम भरे शब्दों के साथ लिखा कि इंद्रावती की वासना, इंद्रावती की आत्मा आपको कोटान कोट करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ। यह है परमधाम का प्रेम। जिसको अक्षतीत मान रहे हैं वही उन सुंदर साथ को प्रणाम कर रहे हैं, यह है त्याग का फल। अब वो सुनिए पाती के शब्द, जिसमें पहला वाक्य है कि मेरे प्राणों के प्रीतम, यानी अपने 12 सुंदर साथ को श्री जी वहाँ से पत्र लिखते हैं। किस लिए? उनको सांत्वना मिले। उस पत्र की भाषा बहुत ही रोचक है, आप संक्षेप में उसको सुनते जाइए। इंद्रावती की वासना, मैं इंद्रावती की आत्मा एक एक चरण, मैं लिखे प्रणाम कोटान कोट, मैं आपको करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ, अविधारियो तिनको, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करना। ये किसके शब्द हैं? श्री प्राणनाथ जी के। आप भी राज्य की राह पर आगे चलिए, राज्य आपको अपना प्रेम देंगे, सम्मान देंगे। क्या कहा है? सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दो और को तित चले तुम्हारा हुक्म। कहीं भी जाइए, हर कोई क्या चाहता है? मेरा हुक्म चले, मेरा कहना सब माने। राज्य कहते हैं कि सब आपका कहना मानेंगे, आप मेरी पहचान दीजिए, अक्षरातीत की पहचान दीजिए। जब आप संसार के लोगों को माया से निकालकर अक्षरातीत की पहचान कराएंगे, तो कोई भी होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी आपका कहना मानेंगे। तुम सुरधीर पना किया, आपने बहादुरी दिखाई। सुरधीर किसको कहते हैं? सुर कहते हैं बहादुर को, और उसमें एक धीरता का गुण होता है। अचानक आमने सामने की लड़ाई में थोड़े से युद्ध करते हुए मर जाना कोई उतनी बहादुरी नहीं है, लेकिन संकट के समय में भी घाव लगे हों,
धैर्य नहीं गया, युद्ध के मैदान से भाग नहीं रहे हैं, उसको कहते हैं सूरधीर बना गया। यानी तुमने मौत के मुंह में भी जाने में डरा नहीं, डरे नहीं, इसलिए तुम्हारा यह कार्य बहुत बहादुरी के योग्य है। सो तुम जिन जानो किया हम, ये जो तुमने कार्य किया बहुत बहादुरी का किया, लेकिन ये मत सोच लेना कि मैंने किया है, कभी भी अपने ऊपर नहीं लेना, क्योंकि कराने वाले कौन है? राज जी, आपके तो तनों को केवल शोभा दी गई है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, किसी के पास ज्ञान की शक्ति है, किसी के पास शारीरिक शक्ति है, किसी के पास धन की शक्ति है, किसकी दी हुई है? उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा की दी हुई है। इसलिए यदि आप कोई महान कार्य करते हैं तो सबसे ये मत कहा कीजिए कि मैंने ये किया, मैंने किया। एक बात याद रखिए, कहत कहलावत तुम ही, करत करावत तुम, कहलाने वाले आप हैं, कराने वाले आप हैं। यदि आप अपना अहंग छोड़कर सब कुछ राज्य को सौंपेंगे तो आपकी शोभा और बड़ी होगी। इसलिए कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं कीजिए और कभी अपने कार्य का अहंग न लीजिए। बस ये सोचिए कि राज्य ने आपसे करवाया। जी वही पत्र में लिख रहे हैं कि साथ जी कभी अपने ऊपर नहीं लेना कि मैंने किया। ये हके शोभा दई तुमको, ये तो राज्य ने आपको शोभा दी है, ना होए ना बिना हुकम, और बिना उनके आदेश के ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब सुंदर साथ को मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है। सब सुंदर साथ के मार्गदर्शक के रूप में इन 12 सुंदर साथ को, इस कारण आप सुंदर साथ को राज जी ने ये शोभा दी है। दज्जाल की लड़ाई में, दज्जाल कौन है? औरंगजेब बादशाह के साथ जितने जुड़े हैं उनको दज्जाल कहा गया है। दज्जाल करत कछु ऐसा, अंतर करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिराए देवे सब अकल। हमारे और परमात्मा के बीच में जो बाधक है उसको हम क्या कहते हैं? माया या कलयुग। उसी तरह से कतेब परंपरा में यह माना जाता है कि अल्लाह या सुप्रीम ट्रूथ गार्ड के बीच में दज्जाल बाधक है, जिसको शैतान कहते हैं। जब नमाज पढ़ते हैं तो दाएं बाएं भी देख लेंगे, किस लिए दाएं बाएं मुंह कर देखते हैं? कि कहीं दज्जाल ना आ जाए, शैतान आकर के हमारी बंदगी में बाधा डालेगा। तो शैतान कहीं बाहर नहीं है कि आ जाएगा। कुछ लोग पहले तलवार रखते थे कि दज्जाल आएगा उसको मारेंगे, तलवार से थोड़े दज्जाल मरेगा, दज्जाल मरेगा ज्ञान रूपी तलवार से। दज्जाल कहाँ बैठा है? वो तो मन में बैठा है। मन में आपके रजोगुण है, तमोगुण है, आपकी बुद्धि गलत दिशा में जा रही है तो बंदगी नहीं होगी। इसलिए दज्जाल को मारना है ज्ञान और प्रेम की तलवार से, दज्जाल को मारा जा सकता है। ज्यों पहले सुअर की चोट, अब क्या बताते हैं कि जैसे सुअर की जो गर्दन होती है जल्दी मुड़ती नहीं है, क्योंकि उसके धड़ से उसकी एक ही नली गई होती है। जो दूसरे जानवर होते हैं उनमें जोड़ होता है, कंधे से और गले, ये गर्दन से, गर्दन की जो हड्डी होती है और कंधे की हड्डी से, वे अपनी गर्दन को आसानी से घुमा सकते हैं, सुअर नहीं घुमा सकता। हाँ, सुअर में इतना बल होता है उसकी नथुने में, सिंह में, कि वो जब आगे से प्रहार करेगा तो बड़े बड़े पेड़ों को भी हिला देता है। हाथी को यदि मार दे तो हाथी भी गिर जाएगा, शेर को भी मार दे तो शेर की छाती को फाड़ सकता है, लेकिन घूमने की तुरंत उसकी शक्ति नहीं होती। यदि दज्जाल सीधे प्रहार करता है तो उसका वार बचाकर यदि आपने उसकी पीठ पर प्रहार कर दिया तो स्वर खत्म हो जाएगा। श्री जी वही बात बता रहे हैं कि देखिए, आप सब सुंदर साथ वहाँ कहीं ना कहीं एक तरह से कैद खाने में है, उनका हथकड़ी नहीं लगाई गई है। 12 सुंदर साथ काजी शेख इस्लाम के घर पर रह रहे हैं, पहरा बाहर है, अंदर में खुलेआम बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, चलते फिरते हैं, किसी कमरे में बंद नहीं किया गया है, लेकिन बाहर की तरफ ही केवल पहरा है। वहाँ आप हो तो उनसे सीधे टक्कर नहीं लेना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि दज्जाल के चोट से आपको बचाना है। इनके गुलाम होए के, उनके गुलाम होने का मतलब उनके साथ विनम्रता से पेश आना,
तुम करियो त काम, वहाँ जो भी काम करना है आप प्रेम पूर्वक करना। ए थोड़ी इशारत लिखी, मैंने संकेतों में आपको समझाया है कि नीति की शिक्षा क्या है। नीति यही कहती है कि जब आप असक्त अवस्था में हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना। दलदल में फंस जाने के पश्चात जोर से आप पैर खींचोगे खड़े होकर के, तो आप और धंसते जाओगे। वहाँ एक ही नीति काम करती है कि वह शांति से बिना घबराए लेट जाइए और धीरे धीरे पैर को निकालिए, आराम से आप निकल जाएंगे। लेकिन जोर लगाकर खींचेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप काजी शेख इस्लाम के कैद में आप हैं और वहाँ जाकर के बहस करने लगे गर्मा गर्म, तो परिणाम क्या होगा? कुछ भी अनर्थ हो सकता है। वास्ते दीन इस्लाम, यानी दीन इस्लाम के लिए, वास्तविक सत्य को जानने के लिए। तुम हिंदुओं के भेष से, और औरंगजेब को पैगाम देना था तो आपको मुस्लिम वेशभूषा धारण करनी पड़ी, फकीरी भेष धारण करनी पड़ी। तो इससे आप घबराना नहीं कि हमें फकीरी वेशभूषा क्यों धारण करनी पड़ी है। आप धर्म के लिए गए, सत्य की रक्षा के लिए गए, यह वेशभूषा तो कोई भी किसी की धारण कर सकता है, इसलिए कभी भी इसके लिए चिंता नहीं करना। पहले तुम सिर भान्या शर्म का, वो जो करते हैं ना थोड़ा एक बीच बीच कोई चरण पढ़ते हैं, हाँ, पहले ही आपने लोक लज्जा छोड़ रखी है। इसलिए उस जमाने में क्या था, कितनी कट्टरता फैली हुई थी कि कोई भी यदि किसी मुसलमान की वेशभूषा धारण कर लेता था तो दूसरे लोग उसको घृणा की दृष्टि देखते थे। मुसलमान के घर का कोई खा लेता था तो भी घृणा की दृष्टि देखते थे। यानी छूत छात का प्रपंच था। वो तो 300 साल पुरानी बात है। आधुनिक युग की एक बात मैं कहता हूँ, दीनदयाल उपाध्याय और मदन मोहन मालवीय, ये दोनों ही ब्राह्मण थे, दोनों ही धर्म के लिए समर्पित, और दोनों ही एक दूसरे का छुआ नहीं खाते थे। अब बताइए, ब्राह्मण क्षत्रिय का छुआ न खाए, वैश्य का न छुआ खाए, तब तो बात मानी जा सकती है। ब्राह्मण ब्राह्मण का छुआ खाने को तैयार नहीं है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंत्र क्या हो गया था, मुझे मत छुओ, मेरे चूल्हे चौके में मत आओ। सारा ध्यान चूल्हे चक्के में लिपाई पोताई में रह गया। यानी कर्मकांडी जो वैष्णव लोग होते हैं, लकड़ी को भी धो करके जलाते हैं। लकड़ी जलाओ धोए जल, सात बेर चौका दे वो, लकड़ी जलाओ धोए जल। लकड़ी को पानी से धोना, फिर उसको सुखाना और तब भोजन बनाना। चूल्हे को बार बार सात बार चौका देना, गोबर से लिपना। आखिर ये कर्मकांड तो बाहर के ही है। बर्तन को केवल मांजने में लगा रहना, जब तक हृदय को नहीं मांजा गया, तो बार बार स्नान करना, सात बार शरीर को धोना, सात बार चौके को धोना, लकड़ी को धो करके भोजन बनाना, इन कर्मकांडों से तो कभी परमात्मा का मिलन होने वाला नहीं है। परमात्मा का मिलन कब होगा? जान से, भक्ति से, प्रेम से। इसलिए मनुष्यों ने कहा, रिते जानात न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। अद्वे गत्राणि शुद्ध्यन्ति, जल से शरीर बाहर का शुद्ध होगा। मन सत्येन शुद्ध, सत्य का आचरण करेंगे तो मन शुद्ध होगा। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, विद्या और तप से जीव का हृदय निर्मल होगा। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध, ज्ञान का प्रकाश होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए ज्ञान का प्रकाश चाहिए, वह तो होता नहीं। आप समाज में जब तक ज्ञान नहीं फैलाएंगे, तारतम वाणी का ज्ञान नहीं फैलाएंगे, वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं फैलाएंगे, शिक्षा नहीं बढ़ाएंगे, केवल कर्मकांड रचाएंगे, सारा ध्यान तिलक लगाने में, कंठी पहनने में, शरीर को साफ सुथरा रखने में कर देंगे, तो फिर क्या होगा? आध्यात्मिक ज्ञान की सरिता कहाँ से प्रभावित होगी? और यही कर्मकांडों में हो रहा है। जहाँ देखिए वहाँ छूत छात। दक्षिण भारत के तो मंदिरों में ऐसा है कि आप पैंट शर्ट पहनकर चले गए तो आपको दर्शन ही करने को नहीं मिलेगा। धोती पहन करके जाइए, वो भी आधा शरीर नंगा करके। इन कर्मकांडों से कुछ नहीं होना है। जब तक हृदय निर्मल नहीं हुआ, तभी तो कहावत कही जाती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, नहीं तो गंगा में प्रतिदिन नहाते रहिए, क्या होना है?
तुम जानत यह मरम। हाँ, आप इस रहस्य को जानते हो कि आपने हमेशा सत्य का आचरण किया है। कोई तुमको मिले, यदि आपको कोई मिलता है, ताए चोखा दीजो जवाब। आपको कोई शर्मिंदा करे कि तुम हिंदू होकर सूफी फकीर फकीरों के बाद की वेशभूषा क्यों ग्रहण कर लिए, तो शर्मिंदा नहीं होना, उनको चोखा जवाब देना। चोखा जवाब देने का मतलब बेधड़क होकर बातें करना। जल्दी देखो सब शास्त्रों को, कि तुम आप अपने ग्रंथों को पढ़कर देखिए क्या लिखा इनके बाब, कि तुम्हारे ग्रंथों में क्या लिखा है। गोविंद भेड़ा तुम जानत, और तुम गोविंद भेड़े की बात जानते हुए सारा संसार क्या है, गोविंद भेड़ा। गोविंद भेड़ा का अर्थ क्या है, भूतमंडल। भूतमंडल क्या कहलाता है, कि जैसे ये सारा संसार एक भूतमंडल है, एक घटना है। एक व्यक्ति था जिस वो मर गया, उसको आसक्ति बन गई कि मैं क्यों मरता, वो बन गया भूत। उसने सोचा कि मेरा अकेले कैसे काम चलेगा। उसने कई लोगों को छल कपट से मारा, यानी एक बहुत सुंदर सुंदर बस्तियाँ बना ली अपनी माया से, और जो उसको छूता था वो भी भूत बन जाता था। उसने एक नगरी ही बसा लिया, उसमें बाजार लगा रहता था, लोग लालच में आते और उसको छूते और उसी में फंस जाते। तीन महात्मा थे, तीनों महात्मा भी उस नगरी में गए, भेड़ भूतमंडल की नगरी जो थी, गोविंद भेड़ा जिसको कहते हैं, क्योंकि गोविंद जी पटेल नाम के एक व्यक्ति था, गोविंद नाम का व्यक्ति जो मरने के बाद भूत बन गया था। पहला जो महात्मा था उसने किसी भी चीज़ की तरफ देखा नहीं, कि ये जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे इनको न देखना है न छूना है, सीधे साधे निकल गया। दूसरा देखता तो है, उसके मन में आता है कि ले लूँ तो काम आएगा, सोचता है कि नहीं यदि ले लूँगा तो मुझे भी भूत बनना पड़ेगा, क्योंकि उसको बता दिया गया था। तीसरे को भी लालच आता है, वो सोचता है कि बताया तो मुझे भी गया है, दो तो निकल गए हैं, लेकिन ये वस्तुएँ इतनी अच्छी हैं यदि छोड़ दूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो गोविंद पटेल एक वो भी एक महात्मा का रूप धारण कर लेता है भूत, और कहता है कि ये आपके बहुत काम आएगी, ये चीज़ रख लीजिए। उसने सोचा कि मैं दरवाजे के बाहर चला जाऊँ, एक कदम बाहर रखकर इसकी चीज़ को भी ले लूँगा और तुरंत बाहर निकल जाऊँगा। जैसे ही तीसरे महात्मा ने अपनी इच्छित वस्तु को छुआ वो भी भूत बन गया। ये क्या संकेत करती है ये कहानी, जो पहला महात्मा है वह है ब्रह्मसृष्टि, जो माया की किसी वस्तु की तरफ आँख उठाकर देखेगा नहीं। दूसरा है ईश्वरीय सृष्टि, जिसमें ज्ञान है लेकिन प्रेम नहीं है, ईमान है, बंदगी है। पहले में इश्क और ईमान है, उसके दोनों पंख हैं, माया की किसी वस्तु पर आकर्षित नहीं होता। जो दूसरा महात्मा है वो थोड़ा झिझकता तो है लेकिन वो भी छोड़ देता है। और जो तीसरा है वो है जीव सृष्टि, वो भी वाणी पढ़ेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन लालच आ जाता है कि अरे यह भी थोड़ा देख लेते तो क्या अंतर पड़ता। इसलिए दरवाजे के बाहर एक कदम रखकर लेना चाहता है एक हाथ से, भूत का शिकार, भूत योनि का शिकार बन जाता है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि ये सारा संसार क्या है, भूतमंडल है। तुम माया के संसार में आए हो तो कहीं किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना। ताको बल न चले लगार, और गोविंद भेड़ा के ऊपर किसी का बल, जो ब्रह्मसृष्टि है वो उस ब्रह्मसृष्टि के ऊपर किसी का भी, किसी भी माया की किसी शक्ति का बल नहीं चल सकता, यानी गोविंद भेड़ा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। ए 5 बरस को बालक, और जो 5 वर्ष का कोई बालक भी है, ए ताए न सके मार, जिसके ऊपर परमधाम की ब्रह्मसृष्टि होगी उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जैसा बाजा बजे, जैसा बाजा बजता है, बाजा यानी जैसी स्थिति हो, जैसा बाजा हो वैसा ही नाचना है, यानी परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना है कि तुम्हें क्या करना है। पर बड़ी ये बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है,
हिल मिल एक रस होनाइत, कि आप सब आपस में हिल मिल कर रहना, कहीं आपस में बारह ही किसी विवाद पर लड़ गए तो उचित नहीं होगा। भी हक सुभाने जिनको, और आप अक्षरातीत श्री राज जी ने शोभा देने वाले हैं और आपको शोभा देने वाले हैं, हमको तहाँ खींच के और जहाँ राज जी चाहेंगे वहाँ मुझे जाना पड़ेगा, पहुँचावे उनके ठौर, वहाँ पर हमको ले जाएंगे, साँची सोई हो वही, और वही जो होगा जो राज जी चाहेंगे वही होगा, और किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। यह नहीं सोचना आपके साथ सिद्दीक फौलाद ने दुर्व्यवहार किया है, तो ये मूल स्वरूप ने पहले में ले लिया था, जो जैसा लिखा है राज्य के दिल में वैसा ही होना है, इसलिए जो आपको कष्ट आया उससे कभी विचलित भी नहीं होना। जो हमारा शोर शराबा सुने, और आपने वहाँ जा कर के वहाँ हमारा थाना थोपा है, हमारा केंद्र बना दिया है, इसलिए इस बात को कोई भी सुनेगा तो आंख उनकी खुले सोए, और जो भी इस बात को सुन करके जो लोग अभी तक डरे हुए थे उनके अंदर भी उत्साह हो जाएगा कि देखिए प्राणनाथ जी के 12 सुंदर साथ ने दिल्ली की सल्तनत को जाकर के चुनौती दे दी थी। आप सोच सकते हैं औरंगजेब बादशाह के सामने बात करने में बड़े बड़े नवाब बड़े बड़े सेनापति कांपते थे, और इन 12 सुंदर साथ ने इतनी तेज आवाज में बातें की कि औरंगजेब बादशाह भी डर गया और सारे दरबारी भी डर गए थे कि यदि ये सामने ऐसा बात इस तरह से बात कर रहे हैं तो अकेले में मिल पालेंगे बादशाह को तो बादशाह के लिए खतरा भी हो सकता है। तो हमारा क्या चलत है, तो जो कुछ होगा सब कुछ राज्य की इच्छा से ही होगा। भैया तहकीक ए ये निश्चित रूप से ये बात होगी। श्री महामति कहे ए मोमिनो, श्री महामत जी कहते हैं कि हे साथ जी और कहो हकीकत जे, और जो कुछ होता है वो बात हम कहते हैं। अब ये तो बड़ी पत्री है, इसके पश्चात कई और छोटी पत्रियाँ श्री जी भेजते हैं, कांजी भाई और शेख बदल लाते हैं ले जाते हैं, पत्र व्यवहार होता है, उन पत्र व्यवहारों में थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ से बातें कल थोड़ी सी सुनाई जाएगी, उसके पश्चात उदयपुर का प्रसंग आप सुनेंगे, किस तरह से सुंदर साथ उदयपुर पहुँचते हैं, ये 12 सुंदर साथ भी पहुँचते हैं, वाणी चर्चा का प्रभाव वहाँ से चलता है, उदयपुर के महाराणा भी आते हैं दर्शन करने, लेकिन पंडितों के बहकावे में आकर वो राज्य का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं, और किस तरह से सुंदर साथ फकीरी वहाँ बैरागी भेष धारण करते हैं और वहाँ से जागने के लिए प्रस्थान करते हैं। जागने की लीला का कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, हर कदम पर संघर्ष है। यदि आप धर्म के प्रचार के लिए चलते हैं तो कहीं सम्मान मिलेगा, कहीं अपमान मिलेगा, कहीं 56 भोग मिलेंगे, कहीं सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी। परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी कहा करते थे, जो विरक्त है उसके लिए कभी घी घने, कभी मुट्ठी भर चने, कभी ऊबी मने। इसलिए धर्म की राह पर चलने वाले को यह भूल जाना चाहिए कि हमारा अतीत कैसा था, वर्तमान में सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो मान हो अपमान हो सभी अवस्थाओं में सम रहना चाहिए और सत्य के ज्ञान के प्रकाश में उदित रहना चाहिए। सात समुंदर पार के पादरी आए भारतवर्ष में, और जाकर देखिए मेघालय शिलांग नागालैंड सब जगह जाकर उन्होंने क्रिश्चियनिटी का झंडा गाड़ दिया। भारत के मठों में रहने वाले सभी मठाधीश अपने मठों में आराम करते रहे, दोपहर का भोजन करके आराम से सोते रहे, न उन्होंने अपने धर्म का ज्ञान बढ़ाया, अपने देश में भी नहीं फैलाया, दूसरे देश में क्या फैलाएंगे, क्योंकि वो सोचते थे कि कौन झंझट मोले, वो इसको झंझट समझते हैं। जब आप धर्म प्रचार नहीं कर सकते, मानवता को सत्य की राह नहीं दिखा सकते, तो आपको गृहस्थी रहना चाहिए था, आपको या तो आप हिमालय की कंदरा में बैठ जाइए या आप एकांत जंगल में बैठिए। जब आप समाज के बीच में आश्रम बनाकर रहते हैं तो समाज को कुछ न कुछ ज्ञान तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि समाज आपको भोजन देता है, आपको सम्मान देता है, आपको वस्त्र देता है, और उस समाज को आप कोई मार्गदर्शन ही नहीं करेंगे तो आपके ऊपर ऋण चढ़ता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म सिमटता गया,
क्रिश्चियनिटी फैलती गई, इस्लाम फैलता गया, क्योंकि इस्लाम को मानने वालों ने तलवार भी उठाई और कुरान भी उठाया, बाइबल के मानने वालों ने भी तलवार उठाई, अपनी राजसत्ता फैलाई और बाइबल को फैला दिया। हिंदुओं ने कुछ नहीं किया, हिंदू राजे महाराजे अपने राज्य में राज करते रहे। हमारी संस्कृत नहीं कहती है कि तलवार के बल से किसी को धर्म स्वीकार कराओ, लेकिन इतना तो यहाँ के साधु महात्माओं को चाहिए, विद्वानों को चाहिए कि प्रेम से भारतीय संस्कृत की महत्ता को बताते, वेद की महत्ता को बताते, धर्म ग्रंथों का प्रकाश करते, और कुछ नहीं तो अपने भाइयों को तो कम से कम वेद शास्त्र की शिक्षा से वंचित नहीं करते। कुछ वर्ष पहले हिमाचल में घटना हुई थी, एक काली जी का मंदिर था, उस मंदिर में कुछ दलित लोगों ने प्रवेश करना चाहा, तो काफ़ी उच्च वर्ग के लोगों ने उनको मार मार कर भगा दिया। उनके समर्थन में जो भाजपा के एक सांसद आए थे, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, कि हम दलितों को मंदिर में ले चलेंगे, उनकी भी पिटाई हुई, किसी तरह से चोट खाकर सब लोग भगे वहाँ से। आप सोचिए, किसी भी वेद शास्त्र में कहीं काली का जिक्र नहीं है, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा और काली की कहानी है, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति के दर्शन के लिए भी वंचित करना कि आप समाज के एक बहुसंख्यक वर्ग को, कम से कम चारों वर्ण हैं, 25-30% तो दलित वर्ग होगा, उसको आप अपने मंदिर में घुसने नहीं देंगे कि दर्शन नहीं करने देंगे, तो क्या होगा? वो तो आपके समाज से अलग होगा। समाज के अग्रगण्य लोगों ने कभी इस पर विश्वास विचार नहीं किया कि हम ही अपने भाइयों को अलग करेंगे तो हमारा धर्म कहाँ से सुरक्षित रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है, मान और अपमान की, जाति और प्रांत की सारी दीवारों को तोड़कर, सुख दुख की चिंता न करके आप सत्य के पथ पर चलते रहेंगे तो ज्ञान का प्रकाश फैलता रहेगा। यदि आपने सांप्रदायिकता को चादर ओढ़ ली, आपने ज्ञान का प्रकाश अवरुद्ध कर दिया, गादीवाद को बढ़ावा दिया, तो परिणाम क्या होगा? आप आने वाला इतिहास आपको क्षमा करने के लिए तैयार नहीं रहेगा। आज आपके पास सत्ता है, पद है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इतिहास तो सबके कार्यों का मूल्यांकन करता है। आने वाली पीढ़ियां चक्रवर्ती सम्राट के भी कार्यों का निरीक्षण करती हैं कि अमुक सम्राट ने अपने सत्ता के समय में ये गलत कार्य किया। जब दुनिया परमात्मा के कार्यों की समीक्षा करती है, एक अनपढ़ किसान यदि पानी बरसता है उसकी फसल नुकसान हो गई तो भी वो कहता है कि परमात्मा तूने मेरी फसल को नुकसान कर दिया। फसल सूख गई तो भी वो परमात्मा को दोष लगा देता है। जब सर्वशक्तिमान परमात्मा को दुनिया दोष लगाने से नहीं चूकती तो मरने के बाद चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो या बादशाह हो, सबके कार्यों की समीक्षा होती है। उसी तरह से धार्मिक क्षेत्र में भी जो सन्यासी वर्ग हैं, विद्वान वर्ग हैं, उनका नैतिक उत्तरदायित्व है कि समाज के कल्याण के लिए सबके अंदर ज्ञान की धारा बहाएं, सबको परम धाम के प्रेम का मार्ग दर्शाएं, सबको ये बताएं कि संसार के लोगों अपने 24 घंटे में से कुछ समय निकालो अपने आराध्य को अपने हृदय मंदिर में बसाने के लिए। कर्मकांडों की दीवारों को तोड़ो, जाति पंथ से अलग हटकर मानव मात्र के रूप में सबको देखो, जो वेद ने कहा है, मित्र से चक्षुषा अहम सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं संसार के सभी प्राणियों को मित्र के दृष्टि से देखूं। जब तक आपके विचार बड़े नहीं होंगे, आप सारी मानव जाति को अपने आंगन में बैठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। गृहस्थियों में तो जाति परंपरा हो तो हो, महात्माओं में भी यदि ये मानसिकता घर कर जाती है कि अमुक महात्मा इस जाति का है, अमुक महात्मा इस जाति का है, तो मैं तो यही कहूँगा, ऐसे व्यक्ति को कभी महात्मा के वस्त्र ही धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति न पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन दुर्भाग्य है कि महात्माओं की भी जाति की मानसिकता निकल नहीं पाती है। आप हरिद्वार में जाइए तो धर्मशालाओं के भी नाम जाति के ऊपर बने हुए हैं, क्षत्रिय धर्मशाला, वैश्य धर्मशाला, जाट धर्मशाला, ब्राह्मण धर्मशाला, ये बहुत घातक है। श्मशान घाट में भी जाति पीछा नहीं छोड़ती, सैनियों के अलग श्मशान घाट हैं, जैनियों की अलग हैं, क्षत्रियों की अलग हैं, इससे बड़ा क्या होगा? जो समाज एक जगह अपने मरहुमों का दाह संस्कार नहीं कर सकता, इस भेदभाव की दीवार को कौन मिटाएगा?
ये भेदभाव इसलिए होते हैं क्योंकि समाज में ज्ञान का अंधेरा है। ज्ञान का प्रकाश ही सारी मानवता को राह दिखा सकता है। जब सबके अंदर ज्ञान होगा तो इस तरह की विकृतियां कभी नहीं होगी। इसलिए सच्ची पूजा क्या है? मंदिर में भगवान की आप घंटी घड़ियाल से पूजा करते हैं वो सच्ची पूजा नहीं है। वो पद्धति तो कुछ लोगों ने बना डाली, वेद शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है। मानवता की पूजा ही सच्ची पूजा है। आप अंधकार में भटकते हुए को राह दिखाइए सत्य का, ज्ञान के प्रकाश का। सबको प्रेम के सागर में डुबोइए, सबके हृदय में बैठी हुई चेतना से प्रेम कीजिए, उनको परम धाम की तरफ ले चलिए। बड़े बड़े भंडारों की, बड़ी बड़ी शोभा यात्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को हीरे मोती के हार चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोने के सिंहासन और कलशों की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि धर्म ग्रंथों का सच्चा ज्ञान संसार में फैलाइए, ज्ञान और प्रेम की श्रद्धा बहाइए। इससे बड़ी परमात्मा की और कोई भी पूजा नहीं हो सकती। अब चुप है, दूर है। तो हमारा क्या चलत भैया तह की कहे श्री महामति कहे ए मोमिनो और कहो हकीकत जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।